बचपन में हम ऐसे किया करते थे। देख अब तेरी बारी है। नहीं है, तेरी बारी नहीं है। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉवल वगैरह क्या लगा के बैठी है। तो जस्ट मैं एक्चुअली नहा करके बाहर आई हूँ और मैं आज बाहर घूमने जाने वाली हूँ चंडीगढ़ में। यहाँ पर ना काफी फेमस प्लेस है सुखना लेक, तो मैंने सोचा कि आज वहाँ पे होकर के आती हूँ अपनी मम्मा के साथ भी। जो का सोच रही हूँ मतलब लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ, क्या करूँ, लेके जाऊँ? चलो ले ही जाती हूँ क्योंकि पीछे से कौन ही उसका ध्यान रखेगा ना, कौन खाना वगैरह खिलाएगा। तो ठीक है, फिर फाइनल अभी मैं, मम्मा और जोजो हम लोग जाने वाले हैं सुखना लेक में। अब क्या क्या करेंगे वो तो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं हो जाती हूँ फटाफट से रेडी। तो आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपना स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ सीक्रेट। तो वैसे तो मेरी स्किन केयर रूटीन जो है वो हमेशा चेंज होती रहती है वेदर टू वेदर, लेकिन आजकल चल रहे हैं समर्स, और समर्स में आपको पता ही है कि हम जब बाहर जाते हैं तो हीट और स्वेटिंग की वजह से हमारी स्किन जो है वो काफी ऑयली हो जाती है, एक्ने इश्यूज होने लग जाते हैं। तो ऐसे में आजकल मैं यूज कर रही हूँ प्लम ब्रांड का ये ग्रीन टी फेस वॉश। ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और उसके साथ साथ ये आपकी ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और सबसे अच्छी बात ये सल्फेट फ्री भी है। टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर ना काफी ज्यादा लाइट है और स्मूथ भी है। हल्के हल्के से इसमें दाने हैं तो उसकी वजह से एक्सफोलिएशन जो है स्किन की काफी अच्छे तरीके से हो जाती है। अब फेस वॉश तो हो गया, लेकिन मैं बिना सनस्क्रीन के ना कभी भी बाहर नहीं जाती, स्पेशली बाहर अगर बहुत ज्यादा धूप है तो आजकल जो सनस्क्रीन मैं यूज कर रही हूँ वो प्लम का ग्रीन टी सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। और ये बहुत ही बढ़िया सनस्क्रीन है क्योंकि इसका टेक्सचर ना काफी ज्यादा लाइट एंड स्मूथ है। अल्ट्रा लाइट टेक्सचर होने की वजह से आपकी स्किन में अगर इरिटेशन है तो उसको भी ये काम करता है, और 35 SPF होने की वजह से काफी हद तक सन प्रोटेक्शन भी ये प्रोवाइड करता है विदाउट क्लॉगिंग योर पोर्स। मैं आपको अपने स्किन केयर रूटीन के सारे प्रोडक्ट्स तो अप्लाई करके नहीं दिखा सकती ना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं दो प्रोडक्ट्स और यूज करती हूँ। एक तो प्लम ब्रांड का ग्रीन टी नाइट जेल और दूसरा प्लम ब्रांड का ही ग्रीन टी फेस मास्क। अब मैं नाइट जेल की बात करूँ तो ये बैलेंस नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अल्ट्रा लाइट, नॉन स्टिकी और पिलो प्रूफ होने की वजह से ये आपको राइट अवे हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। वहीं अगर मैं फेस मास्क की बात करूँ तो ये आपके फेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, ऑयली स्किन से कॉम्बैट करता है और आपके एक्नेस को रिड्यूस करता है। ये प्रोडक्ट्स ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है। सो योर समर स्किन केयर इज नाउ सॉर्टेड विद दिस 4 प्रोडक्ट्स विच विल हेल्प रिड्यूस एक्ने एंड एक्सेस ऑयल। और आपको पता है प्लम एम्प्टीज को वापस भेज करके आप रिवॉर्ड पॉइंट्स भी अर्न कर सकते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं और प्रोडक्ट को बाय भी कर सकते हैं। बाय करते वक्त अगर स्क्रीन पे दिए हुए कूपन कोड को आप यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सो गो एंड चेक इट आउट। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे सुखना लेक में पहुंचे हैं, और वैसे तो यहाँ पर ना एंटर करने के लिए बहुत सारे गेट्स हैं, लेकिन जो मेन वाला गेट है हम लोग वहाँ से एंटर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ना बोर्ड भी लगा हुआ है कि हम यहाँ पर आकर के क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बोटिंग है, अम्यूज़मेंट पार्क भी है, यहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट भी हैं, तो फूड कोर्ट सा बना हुआ है, वहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और आप इस साइड भी देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे झूले वगैरह हैं बच्चों वगैरह के लिए खेलने के लिए, हालांकि बड़े भी आकर के एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए हम फिलहाल देखते हैं अंदर जाके कि अभी हम क्या करेंगे। सबसे पहले फाइनली अभी मैं यहाँ पर अंदर आ चुकी हूँ, लेक के किनारे आ चुकी हूँ, और यहाँ से जो व्यू है ना वो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अच्छा है। मैंने सोचा था कि लेक का पानी सूख गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, पानी भी है, बोटिंग भी हो रही है, कुछ बोट्स हैं ऑलरेडी अंदर। और फिलहाल मैंने भी टिकट ले ली है 400 रुपीज़ पर बोट आधे घंटे के लिए, और मैं और मम्मा हम लोग नीचे जाने वाले हैं बोटिंग करने के लिए। बाकी यहाँ पर मतलब आई एम सुपर एक्साइटेड। तो अभी हम लोग बोट में बैठे हैं, और मैंने जहाँ तक सुना है इस लेक की जो गहराई है वो 10 फीट तक है, 10 फीट तक सुना है मैंने, बाकी मुझे आइडिया नहीं है इसका। बाकी मम्मी तो पूरा एंजॉय कर रही है, पैडलिंग इधर मेरी चल रही है, मेरी हालत ख़राब हो रही है, एक्सरसाइज तो इधर हो रही है। और जो इन्होंने जैकेट्स दी है ना ये पहनने के लिए, ये बिल्कुल नाम मात्र की जैकेट दी हुई है, मतलब अगर गिर गए डूब गए तो आप डूब ही जाओगे, बचने के कोई चांसेस नहीं है। जो जो भाई मैं थक गई, आजा तू चला ले। आई थिंक पता नहीं, जूम करके देखती हूँ, वहाँ पर एक ना रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, तो शायद से वहीं तक हम मैक्सिमम बोट को लेके जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद डीप हो जाती है ये लेक, तो वहाँ तो उसके बाद अलाउड नहीं है। बट पता नहीं मैं वहाँ तक भी पहुँच जाऊँगी कि नहीं। मेरे टाँगे अभी से जोजो को उन लोगों ने रोक लिया था, अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग लाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा बात बात करके फाइनली उन्होंने अलाउ किया कि चलो जाने देते हैं। और यस, अभी मैं अपने पसीने बहा रही हूँ। यहाँ पर रहा वो रेड पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही थी, तो अभी यहाँ से हमें टर्न लेना पड़ेगा। मोड़ो उधर को, उधर मोड़ो, उधर 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 मोड़ो उधर। मम्मी घबराहट हो रही है क्या? कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 400 रुपये रख लेंगे ना अपने पास। वो गाइज एक्चुअली मेरी मम्मी को टेंशन हो रही है कि अगर 5:40 से ज़रा सा भी ऊपर हो गया टाइम, तो वो बाकी के 400 रुपये जो है वो हमें रिटर्न नहीं करेंगे। तो एक्चुअली उन्होंने 800 रुपीज़ लिए हैं, और बोटिंग करने के बाद हमें 400 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। कोई बात नहीं मम्मी, मिल जाएंगे। हम पे फेंका जा रहा है मानी, हम पे फेंका जा रहा है। मम्मी गिर मत जाना नीचे, पानी फेंकते फेंकते। अभी एक्चुअली टाइम हो चुका है, ओनली 5 मिनट नहीं 2 मिनट बचे हैं, और हम लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं जहाँ से हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था। और अभी देखते हैं बोटिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ है वैसे तो यहाँ पे करने के लिए। सो लेट्स सी इसके बाद हम क्या करते हैं। तो मैंने अभी ना फिर जोजो के लिए ये बबल्स बनाने वाला लिया है, अब देखती हूँ जोजो का रिएक्शन कैसा होता है। जोजो बचपन में हम ऐसे किया करते थे, देख अब तेरी बारी है। नहीं है तेरी बारी, नहीं। तो अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, और शाम के टाइम पे यहाँ पर वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा काम सा फील हो रहा है, पीस सा मिल रहा है। और वैसे भी ये प्लेस ना मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मोस्टली या तो लोग यहाँ पर सनराइज़ के लिए आते हैं या फिर सनसेट के लिए आते हैं। तो फ़िलहाल हम तो यहाँ पर सनसेट इन्जॉय कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पर, मेरी ना एक फ़्रेंड रहती है पास में ही, तो वो मेरी एक्चुअली 13 years old फ्रेंड है, तो मैंने उसको बुलाया कॉल करके, और हम लोग तकरीबन 1.5 या 2 साल बाद मिलने वाले हैं। तो अभी वो आ रही है और उसका मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, तो फिर नेक्स्ट उसके बाद ही जाऊँगी इसके साथ। अच्छे से तो मिल यार, ऐसे थोड़ी ना, कितने 1.5-2 साल बाद मिल रही है ना। तो गाइज मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि मैं अपनी 13 साल पुरानी एक दोस्त का वेट कर रही हूँ, तो ये है वो मेरी 13 साल पुरानी दोस्त। हम लोग कहाँ स्कूल के, मतलब जब हम 11th-12th में थे तो हम लोग स्कूल टाइम के दोस्त हैं, और ट्यूशन्स भी हम लोग साथ में जाया करते थे, है ना। और कुछ याद है? तो ये हमारी पुरानी यादें। मुझे ये याद है कि +2 के बाद हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, बट फिर भी हम साथ हैं। अरे कोई बात नहीं, 9 सालों बाद फिर से एक दूसरे के टच में आए, हाँ। और अभी तक साथ हैं, उसी को तो कहते हैं ना दोस्ती। जीजू से कम हिला रही है शादी वाली दिन। अच्छा, पहले तो थोड़ा डाउट हो रहा है मुझसे भी, यहाँ पे थोड़ा रहते हैं। मैं तेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे लेके जा रही हूँ, पता है। हाँ जी, हाँ जी ब्लॉगर। ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसकी मैं बात कर रही थी। हाँ, ये क्या पीपल का पेड़ है ना, ये पहले ये बता। जी हाँ, ये पीपल का ही पेड़। और बता तुझे क्या लगता है कितना पुराना होगा ये? यार डोंट नो, मतलब मैंने सुना है जहाँ तक जब चंडीगढ़ बना भी नहीं था, उससे पहले का है ये पीपल का पेड़। इसकी शक्ल देख के तुझे लग नहीं रहा कि कितना पुराना है? तो यहाँ पे एक पिक लेनी तो बनती है। हाँ चल आ जा। नो आइडिया कितना पुराना है, वैसे मैं कई बार आई हूँ यहाँ पे, इसकी इंटरेस्ट होगा। हमें तो पता नहीं है चंडीगढ़ कितना पुराना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको अगर आइडिया है तो चंडीगढ़ कितना पुराना है। चल तेरे को मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पे लेकर के चलती हूँ, ठीक है। मेरे से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट तुझे पता है यहाँ के? मुझे पहले ये बता, तेरी ज़िंदगी में गम है? नहीं नहीं थोड़े थोड़े, आजकल तो खुशियाँ ही हैं आजकल। ठीक है, अगर तेरी ज़िंदगी में गम है या फिर तेरे किसी और की ज़िंदगी में गम है तो मैं तुझे बता देती हूँ एक ईजी सॉल्यूशन है ना, यहाँ आके छलांग लगा दीजिए। यहाँ पर नहीं, कहीं पे भी छलांग लगाएगी तो डूबेगी नहीं, इतना गहरा पानी नहीं है। तो यहाँ पर ना एक सुसाइड पॉइंट है, तो जिसके ऊपर लोग चढ़ करके एक्चुअली सुसाइड किया करते थे, तो काफ़ी सारे केसेस आ चुके हैं ऑलरेडी एंड इसलिए अब वो बंद कर दिया गया है। तो अभी अंदर जाना अलाउ नहीं करते, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। बट ये लोग इतने आलसी हैं कि ये लोग बोल रहे हैं बस यहीं से वापस चलो, यहीं से वापस चलो। एंटरटेनिंग लोग आते हैं लेक पे, देखिए फ्रेंड कितना टैलेंट मिलेगा कहीं और। शिवानी, हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, तो मुझे तुमसे थोड़े से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो मुझे थोड़े से 2-4 क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छा, पहले तो ये तुम्हें ब्लॉगिंग का कीड़ा कब से काटा और तुम्हें इंस्पिरेशन किससे मिली? वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मतलब बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, तो बस ऐसा नहीं है कोई एक जना नहीं है, तो सबको ही थोड़ा थोड़ा देखा, सबसे मुझे थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन मिली। और कीड़ा कब से काटा? कीड़ा कब से काटा यही पूछा ना तुमने? तो ये कब से काटा? ये 2019, मतलब जब मेरी फर्स्ट ट्रिप करी थी मेरी मम्मी के साथ पौंडीचेरी की, तो तब से मेरे को ऐसे हुआ कि चलो आप कहीं पे भी जाते हैं तो अपनी मेमोरीज थोड़ी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। हम बातों में इतना खो गए कि पता ही नहीं चला अंधेरा कब हो गया, और मैं वीडियो एंड करना तो पूरा भूल ही गई।